डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 की है और 17 को ही मैंने आपको ज्वाइन किया, वरना ये तो सिलसिला 7-8 दिन से जारी है और ये कराची को ही आजाद जा रहा है दूसरी दफा के 17 की मेरी सेकंड बर्थडे है वो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मना रहा हूँ। और ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का खलूस है कि जिसने मुझे यहाँ पे, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आया, क्योंकि मैंने हमेशा से आप लोगों से ये बात करता आ रहा हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोगों का इतना प्यार मैं देखता हूँ, इतना खलूस देखता हूँ, और अपने लिए ये आप लोगों की प्यार ही है, आप लोगों का ये हमारा साथ ही है जिसकी वजह से आज ये बहरिया टाउन ने इतनी तरक्की की और आज आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो बनने जा रहे हैं, बनते चले आ रहे हैं। और बहरिया टाउन के साथ साथ आप लोगों ने जो तरक्की की, जो मेरी टीम ने तरक्की की, जो मेरी टीम ने अपना नाम एक अपना इसकी रियल स्टेट के अलावा इन्होंने जो अपना कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी नाम बनाया, क्योंकि 3-4 साल पहले जब हमने देखा कि क्राइसिस आए थे प्रॉपर्टी के, तो हमने आपस में मीटिंग की कि यार हमें ना ऑलराउंड परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हमें एक चीज पे नहीं करना चाहिए, हमें 2-3 चीजें 4 चीजें सोचनी चाहिए कि जो इससे व्यवस्था चीजें हैं उनके अंदर भी हमें अपने आप मनवाना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, आप जगह जगह देखेंगे कि आज मेरी जो टीम है अल्लाह तआला ने उसको बड़ी कामयाबी दी। सिर्फ नीयत का काम था, मैंने हमेशा से ये कहा कि जिस नीयत की बुनियाद पर सारे काम चल रहे हैं, और आज आप लोगों ने देखा कि ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो हैं ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इनको आज इतना मुकाम दिया, अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे, अल्लाह ताला इनको और कामयाबियां दे। बहरिया टाउन के साथ साथ मलिक रियाज साहब को, अली भाई को, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे जिनका जो विजन था मलिक साहब का, और जो अली साहब ने यहाँ पे 5-6 सालों में, और मेरी जो डेवलपमेंट टीम है स्पेशली मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि अनवर साहब की जो डेवलपमेंट टीम है उसने जो काम किए यहाँ पे वो नामुमकिन काम थे। और आप देखते जाएं कि इंशाल्लाह ताला 2023 में देखो ये स्टेडियम हम बनाए जो बन रहा है हमारा वो भी, और इंशाल्लाह ताला जो मस्जिद जो बन रही है ये आप लोगों के सामने होगा, ये पूरे दुनिया में एक नाम होगा इंशाल्लाह बहरिया टाउन का भी और साथ कराची का भी, और लोग इस चीज को याद करेंगे कि कराची में दुनिया की किसी बड़ी मस्जिद और इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम जो है पहली दफा जो प्राइवेट सेक्टर में ICC से अप्रूव्ड इंशाल्लाह ताला स्टेडियम होगा। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी हमेशा कोशिश होती है मेरी कि जब भी किस तरह का इवेंट हो तो उसमें कोई एक ऐसी चीज अनाउंस की जाए जो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक हो, जो मंशा के मुताबिक हो। अभी हम BTK को अनाउंस करने जा रहे हैं सर, इंशाल्लाह ताला January 2 को वो अनाउंस करेंगे। और आज जिस तरह क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टिकटों के 86,000 हमने पोजिशन दे दी है, तो जबरदस्ती लोगों को बुलवा के पोजिशन दे रहे हैं हम कि आप आए यहाँ पे पोजिशन लें। और ये भी कराची की तारीख में अपनी मिसाल आप है कि इतनी कम मुदत में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई जो आपके सामने है। और मुझे ये चीज कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि ये मैंने शुरू से भी आप लोगों से ये कहा था कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं था, हमने ये इससे आप लोगों से ये कहा था कि हमारे आने से इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि जो डेट प्रोजेक्ट है वो भी अलाइव हो जाएंगे, और आपके सामने ही है कि अभी ये एक्सप्रेस वे पे कितने ज्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस होते जा रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, लेकिन जो बैरियर का स्टैंडर्ड है उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला हमारे BTK 2 में भी हमारी ये कोशिश है कि हम उसमें BTK 1 से भी बढ़ के काम करें, और आप देखेंगे कि 45% डेवलपमेंट वहां पे हो चुकी है और वहां पे डेवलपमेंट बड़ी तेजी से जारी है। और ये बहरिया टाउन की तारीख का वाइड प्रोजेक्ट होगा कि जिसमें 45% जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है और हम उसको अनाउंस करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के तआवुन से और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मेहनत से इंशाल्लाह ताला ये एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट होगा। और 19 को जो फंक्शन है उसको भी इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से इसका इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रीफिंग देंगे, उसमें लाहौर से भी, पिंडी से भी, पेशावर से भी, जो जो हमारे साथ बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे साथ लोग मुंसलिक हैं वो भी आएंगे। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा जो यहाँ पे हमारे मकामी लोग काम कर रहे हैं वो उनको अच्छी तरीके से वेलकम करें, और इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। और इस दफा हमने अपने पेज पे एक उसका एक फॉर्म का भी इजाफा किया, जिसकी वजह से लोग काफी लोग हमें कहते थे कि हमें मौका नहीं फराहम किया जाता कि हमने भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी थी, हमने भी पार्ट बनना था आपकी टीम का। तो हमने उन लोगों के लिए भी एक ओपन फॉर्म पे ये एक मौका फ्राहम किया है कि वो आप उस पेज पे जाके उसको फॉर्म को फिल करके तो आप हमें वो ईमेल करेंगे, उसके बाद हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे जो उसको देख रहे हैं वो इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और फिर उनके साथ मैं खुद कदम कदम साथ दोनों से खुद मीटिंग करूंगा। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह अपनी इस
खानदान को बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको अपना मजीद इंशाल्लाह इसमें इजाफा करेंगे। और मैं आप सब लोगों से ये इस फोरम पे ये कहना चाहूंगा कि ये इसको हमने सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। और इस एक चीज में आपको बावर करवा दूं कि जो लास्ट टाइम जो लूप होल्स थे, जो लास्ट टाइम जिसकी वजह से कुछ चीजों की वजह से इस प्रोजेक्ट को हमें सफर करना पड़ा, हालांकि वो चीजें ऐसी नहीं होती जो जिस तरह की उसको पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस दफा ये मैं खुद मॉनिटर करूंगा यहां पे बैठ के इस प्रोजेक्ट को, और यहां पे जो बंदा काम करेगा उसको उसी टाइम एप्रिसिएशन मिलेगी, और जो बंदा इसको खराब करने की कोशिश करेगा उसका अल्लाह ही हाफिज है, वो अपना बंदोबस्त करके रखे, क्योंकि वो मैंने उसको कोई इस दफा माफी वाला काम नहीं है, क्योंकि ये हमने बड़े नेक नीति से इसको शुरू किया, इसको हमने किसी को इसको खराब करने नहीं देना, सबको किसी से खेलने नहीं देना हमने, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बड़ी मेहनत है, लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और जिस तरह के हालात में लोगों ने कहा जी कि ये हालात ऐसे नहीं है कि आप इसको अनाउंस करें, ये इस तरह की चीज है, उस तरह की चीज है, लेकिन हमें हालात से कोई भी लेना देना, हमें इंशाल्लाह ताला इन्हीं हालात में आप लोगों के लिए कैसा रोजगार खराब करेंगे आपको, इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, और बड़े अच्छे जो रेट्स होंगे, बड़े अच्छे इंसेंटिव होंगे, बड़ा अच्छा इसमें हम आप लोगों के लिए पैकेज में आगे लाएंगे, ताकि आप लोग इस डेट मार्केट में इंशाल्लाह ताला इसको हम साबित करके जाएंगे कि ये लाइव प्रोजेक्ट और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं सिर्फ बैरियर रहूंगा, बड़े पूरे स्कूल का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।